प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, यदि आप किसी दुख से किसी तकलीफ से होकर गुजर रहे हैं तो ये संदेश आपके लिए है, इसलिए आप इस वीडियो में अंत तक बने रहें। और मैं आपको मोटिवेट करना चाहता हूं कि क्यों थक जाते हो, चार दिन की मेहनत के बाद बीज को फसल बनने में टाइम लगता है। आप अपने समय का इंतजार करिए, जो समय ईश्वर ने आपके लिए निर्धारित किया है। आपके दिन बदलेंगे, आपका जीवन बदलेगा, आप ब्लेसेड हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। बस आपको धीरज रखना है, ईश्वर में ईमान रखना है, क्योंकि नीति वचन 3:1 में कलाम कहता है, प्रत्येक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का आसमान के नीचे जो होता है उसका समय है। परमेश्वर के समय का इंतजार करें, आपका समय बदलेगा। और किसी कवि ने कहा है कि समय समय की बात, समय को परखे ज्ञानी, समय पर पड़ती धूप, समय पे बरसे पानी, समय पे मोती सीप में, समय पे चढ़े भुजंग, और समय पे बेटी बाप की, समय पिया के संग। प्रत्येक काम समय से होता है। ईश्वर ने दुनिया को बनाने से पहले समय बनाया है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ईश्वर इससे पहले कि इंसान को इस दुनिया में लाता, इससे पहले कि परमेश्वर आदम हव्वा को बनाते, उससे पहले उनके रहने का, उनके पीने खाने का इंतजाम उसने पहले किया है। आप यदि इस दुनिया में हैं तो आपका प्रबंध परमेश्वर ने पहले कर दिया है, और उसका नियम आज भी लागू होता है। इससे पहले कि कोई बच्चा इस दुनिया में जन्म ले, उससे पहले उसकी माँ के स्तन में दूध आ जाता है। आप जिस खुदा में ईमान रखते हैं, उस खुदा ने आपके लिए, आपके रहने के लिए, आपके खाने के लिए प्रबंध पहले बनाया हुआ है, पहले किया हुआ है। इसलिए आप उसके प्रबंध का इंतजार करें और आप प्रार्थनाओं के जरिए से उसको रिसीव कर लें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। साथियों, परमेश्वर तो इंतजाम कर चुके हैं, पर बहुत लोग हैं जो परमेश्वर के इंतजाम को देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के काम को देख नहीं पा रहे हैं, परमेश्वर के चमत्कार को देख नहीं पा रहे हैं। शायद उनकी आंखें अभी खुली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एलीशा के दास ने एक दिन सुबह जाकर के देख लिया कि दुश्मन सेना ने हमें घेरा हुआ है। वो डर गया, वो घबरा गया, उसको मृत्यु का डर आ गया। और कितने ही लोग हैं जो खुदा के प्रबंध को नहीं देख पा रहे हैं, वो डर रहे हैं, वो घबरा रहे हैं, वो परेशानियों में, वे दिक्कत में। मैं आपको बताना चाहता, जब एलीशा के दास ने एलीशा को यह बात बताई तो एलीशा ने खुदा से दुआ की, हे परमेश्वर, हे यहोवा, इसकी आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी तो उसके दास ने देखा कि चारों तरफ का पहाड़ अग्नि में घोड़ों रथों से भरा हुआ है। परमेश्वर के सेवकों को बचाने के लिए, छुड़ाने के लिए, जीवित रखने के लिए आपका प्रबंध भी चारों तरफ है, आपकी सुरक्षा भी चारों तरफ है, जो कई बार लोग देख नहीं पाते हैं। परमेश्वर के प्रबंध को आत्मिक आंखों से देखने की कोशिश करिए, प्रार्थना करते हुए देखने की कोशिश करिए। आप बचाए जाएंगे, आप छुड़ाए जाएंगे, आप ब्लेस्ड हो जाएंगे, आपका प्रबंध हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और साथियों, आखिर में दुआएं पढ़ने से पहले आपसे आग्रह करना चाहता हूं, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। मत्ती पुस्तक 6:32 उसकी 32 परमेश्वर वचन कहता है, क्योंकि तुम्हारा स्वर्ग पिता जानता है कि तुम्हें ये चाहिए, तुम्हारी ये जरूरतें हैं। प्रभु जानते हैं, आपका मेरा पिता जानता है कि इस महीने की जरूरत क्या है, आज की जरूरत क्या है, और पिता जानता है कि बच्चों की जरूरत क्या है, कब है और क्यों है। इसलिए आप धीरज रखें, प्रार्थना में बने रहें, भरोसा रखें, आप ब्लेसेड हो जाएंगे, ईश्वर आपकी सुन लेंगे और आपको आशीर्वाद देंगे। और यही बात मत्ती की पुस्तक 6:8 में भी लिखी है, तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। हमारी हर एक आवश्यकता प्रभु जानता है, इसलिए दुआ में रहें। ईश्वर आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।